Hello students, today will we discuss about information technology part 2 for class 7th and their chapter number 9, the title of chapter number 9, computer security. Aaj hum log information technology part 2 ka 9th chapter, iska title hai computer security ke bare mein discuss karenge. Security means suraksha, computer ko bhi hum kaise surakshit rakh sakte hain. Like this the physical targets में जो भी हमारी problems होती है तो उनको secure करने के लिए हम लोग कोई भी antiseptic या antibiotic जो भी हम लोग medicines लेते हैं same as उसी तरह से computer भी affected हो जाता है तो उसकी security के लिए भी हमें कुछ measurements करने पड़ते हैं. Now starts threats to computer security. Threats कंप्यूटर सिक्योरिटी जो थ्रीट्स होते हैं, ये थ्रीट्स क्या है, ये आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, प्रसंग में ये थ्रीट्स होते हैं जो रेफर क्या करते हैं, एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज सीरियस हार्म टू ए कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम को सीरियसली हार्म करने के लिए, इस टाइप के थ्रीट्स होते हैं. ये थ्रीट समटाइम्स दैट मे बी द नो पैन बट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज द सीरियस डैमेज, जो वास्तविक रूप से एक सिचुएशन में इसमें डैमेज कर देते हैं, क्योंकि थ्रीट्स कैन लीड टू अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स. ये थ्रीट्स होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम्स पर क्या करते हैं, अटैक कर सकते हैं, नेटवर्क पर कर सकते हैं और मोर एनी अदर तुम्हारी थिंग्स होती हैं, उन पर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट फाइलों पर भी. तो थ्रीट कैन द वी आइदर इंटरनेशनल, ये आपका एज ए इंटरनेशनल हो सकता है, इंटेलिजेंट्स होते हैं ये, और इंडिविजुअल क्रैकर और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस इनका यूज़ करते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं ये इनका यूज़ करते हैं एक्सीडेंटल कंडीशंस में. और पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, टू कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग्स में या पॉसिबिलिटीज टू द नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं, सच एज द अर्थक्वेक है या और भी टोरेंडो है, इस टाइप्स की जो सर्किमडेंस होते हैं इनमें ये कैपेबिलिटीज एक्शंस ओवर करते हैं. कंप्यूटर वायरस आर नथिंग, कंप्यूटर वायरस कुछ नहीं है बट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट इज़ द अनवांटेड थिंग्स, जो अनवांटेड थिंग्स होती विद योर कंप्यूटर रिसोर्सेज, यू वर्किंग ऑन PC यू आर रिपीटेड द रिसीविंग एनोइंग मैसेजेस, उसमें कुछ मैसेजेस डिस्प्ले हो जाते हैं, क्योंकि वायरस से इफेक्टेड ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नाउ वायरस, व्हाट इज वायरस, वायरस इज ए स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, वायरस क्या एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, जैसे पिगी वैक्स, जो पिगी वैक्स ऑन रियल प्रोग्राम, जो रियल प्रोग्राम उसको पिगी वैक्स पीछे ले जाता है. फॉर एग्जाम्पल a virus might attack to itself the program, स्वयं उसको programs को attack कर सकता virus, such as the spreadsheets, जैसे spreadsheet programs है, like this spreadsheet program में work कर रहे हैं आप, तो each time spreadsheet programs runs, जब आपका प्रत्येक जब भी आप spreadsheet programs को run करेंगे, that the virus runs to, वायरस भी उसके साथ रन होगा, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड है, तब तक वो रन होता रहेगा और हमारे कंप्यूटर्स के अंदर की फाइलों को उनको भी इफेक्टेड करता रहेगा. यदि हमने उसी स्पीशीट प्रोग्राम्स को दूसरे को कॉपी करा दिया तो वो उसके दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स होती है. दूसरा, जो बाई चांस रिप्रोड्यूस वाई द अटैचिंग टू द अदर प्रोग्राम, अभी मैंने बोला कि दूसरे प्रोग्राम्स को यदि बाई चांस दूसरे टच किया तो उसमें भी वो चला जाएगा और वर्क है के रूम में उसको वर्किंग जो हमारा होगा वो डैमेज करना स्टार्ट करेगा. नाउ नेक्स्ट ईमेल वायरस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, थ्रीट्स हैं ये, इसमें आपका ईमेल वायरसेस है. ईमेल वायरस क्या होता है, ईमेल वायरस ट्रेवल्स एन अटैचमेंट, ये अटैचमेंट द ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज को जब हम किसी दूसरे ईमेल से अटैच करते हैं एंड यूजली रिप्लाईकेशन इट सेल्फ बाई ऑटोमेटिक, तो रिप्लाईकेशन मेलिंग इट सेल्फ होती है या किसी का रिप्लाईकेशन हम कर रहे हैं, तो डोजन ऑफ पीपल
दर्जनों की संख्या में लोगों का जो विक्टिम्स होता है ईमेल्स एड्रेस बुक होती है उसमें ये क्या होता है मिक्स हो जाता है। और सम ईमेल वायरसेस डोंट इवन रिक्वायर टू डबल क्लिक, डबल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, दे लॉन्च व्हेन यू व्यू द इन्फेक्टेड मैसेज, जब हम कोई भी इन्फेक्टेड मैसेज को व्यू करेंगे वैसे ये क्या होगा प्रीव्यू पान में चला जाएगा और योर ईमेल जो भी हमारा सॉफ्टवेयर उसमें ये मिक्सअप हो जाएगा और वो सारी जो फाइलें उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए यदि हम कोई भी फाइल को जब हम कॉपी करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कुछ मैसेज डिस्प्ले होता है, दिस फाइल इज वायरस इफेक्टेड, आर यू श्योर कॉपी दिस फाइल, आपको उसको सजेशन के लिए आपको आता है, ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि हमें उसको कॉपी करनी है कि नहीं करनी है। नाउ नेक्स्ट आपका ट्रोजन हॉर्स, ये भी एक डिफरेंट टाइप्स का वायरस है। ट्रोजन हॉर्स जो वायरस है ये सिंपली कैसा होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में होता है, ये कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे बूटिंग फाइल्स वगैरह होती है उनमें चला जाता है। क्लेम्स टू डू वन थिंग टू मेक क्लेम ऑन द गेम्स वगैरह, गेम को ज़्यादा डेवलप करने के लिए डेवलप होता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्टेड करता है, क्योंकि लेकिन वन इंस्टीट डज डैमेज, ये डैमेज कब करता है व्हेन यू रन इट, जब इसको रन करेंगे, यदि हमारे उस पर है और हमने रन कर दिया तो ये तेज़ी से स्पीड होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये नो वे टू रिप्लीकेट ऑटोमेटिकली, ये इसमें कोई रिप्लीकेशन ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये वैसे ही इसमें डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंट टाइप्स में जो आपका वायरस है उसका नेम है वॉर्म्स। वॉर्म्स इज ए स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी एक छोटा सॉफ्टवेयर है बट कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स के रूप में उसमें रिप्लीकेट इटसेल्फ, तुरंत अपने आप ये रिप्लीकेशन होता है इसका, ए कॉपी ऑफ द वॉर्म स्कैन द नेटवर्क, नेटवर्क से कोई कॉपी को स्कैन करने पर या अनदर मशीन में ट्रांसफ़र करने पर स्पेसिफिक जो सिक्योरिटी होल होते हैं उनको ये डैमेज कर देता है, इसकी कॉपी जो होती है इटसेल्फ होती है और न्यू मशीन यूजिंग द सिक्योरिटी होल, उसकी नई मशीन होती उसके सिक्योरिटी होल में ये फिट हो जाता है। तो स्टार्टअप रिप्लीकेशन जो स्टार्ट होता है वो रिप्लीकेटिंग फ्रॉम देयर एज वेल है, वो स्टार्ट हो जाता है जिससे कि सारी फाइल अंदर जो हार्डवेयर रिलेटेड फाइल होती है हमारी वो भी उनको भी डैमेज करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आप कहता है वायरस ऑर्गेनिज्म, वायरस ऑर्गेनिज्म में वाई दे आर कॉल्ड वायरस, वायरस इसको क्यों बोलते हैं, तो कंप्यूटर वायरस आर कॉल्ड वायरसेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे शेयर सम ऑफ द ट्रेट्स ऑफ बायोलॉजिकल वायरस, ये भी क्या होता है ये शेयर, क्योंकि हम इसको शेयर कर देते हैं, कैसे शेयर ये कर देता है बायोलॉजिकल वायरस के द्वारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि एनी पर्सन हैव इन्फेक्टेड द कैंसर, कैंसर से उसे भी कोई भी कैंसर उसको जाता है, मुंह में कैंसर हो जाता है या उसके पेट में कहीं कैंसर होता है, तो हमने इसको ज़्यादा स्टेज पर पहुंच जाती है इसको ऑपरेट किया जाता है, तो ऑपरेट करने पर जो उसका एरिया इन्फेक्टेड होता है उसको उसके अलावा सर्कम्फ्रेंस में उससे और थोड़ा सा ज़्यादा देकर उसको इन्फेक्टेड किया जाता है, जिससे कि उसके यदि उसको टच कर जैसे हम अभी इसको कॉपी करते थे बहुत तेज़ी से वायरस कम्यूटर फैलता है, उसी टाइप से वो बहुत तेज़ी से उसके एक ग्रुप में जो के वायरसेस के जो समूह होता है वो एक ग्रुप होता है, जैसे इसको छेड़ते हैं तो वो क्या जज़ोर भागने लगते हैं, और उस टाइम भागने में यदि हमारा जो जहाँ से हमने उस एरिया पार्ट को कट किया है उसके बाद भी अगर वो चला गया बाई चांस, वैसे तो एक्स्ट्रा काटा जाता है लेकिन वो चला जाता है किसी तरह से, आप कभी भी देखें कोई भी एक झुंड बना करके कोई आपके वायरस या छोटे छोटे आपके जो इन्फेक्टेड जो कीड़े वगैरह होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं उनको अगर झुंड बना के बैठे हैं अगर आप थोड़ा सा उनको टच कर रहे हैं तो वो इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है, वही कंडीशन, क्योंकि जब उसको कट करना ऑपरेट करना स्टार्ट किया तो क्या उनको पता चल जाता है सेंसिटिव होते हैं तो वो क्या इधर उधर भागने लगते हैं, वो हमारे इधर उधर कवर हो जाते हैं, तो उसमें कभी कभी कुछ लोग जैसे बच जाते हैं तो उनका क्या होता है इन्फेक्टेड एरिया वो वहाँ से बाहर नहीं सकते, वो कंडीशन होती है। उसी टाइप से हमारा ये जो हमारा ब्लड कैंसर होता है, ब्लड हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है, उसको आपने देखा होगा डोनेट एक साइड किया एक साइड से उसको रिलीज़ किया जाता है, तो रिलीज नहीं किया जाता कि बाई चांस वो वहाँ से जो हार्ट में हमारा वायरस बैठा हुआ है वो शायद उसके द्वारा लिक्विड द्वारा बाहर निकल जाए, निकल जाता तो लोग बहुत से रेयर कंडीशन में बच जाते हैं, बट अगर नहीं होता है तो क्या होते हैं वो धीरे धीरे उनके क्लोन तैयार होने लगते हैं वायरस के, वही सिस्टम कंप्यूटर में होता है। हु मेक वायरस, वायरस कौन बनाते हैं, वायरस पीपल के द्वारा, क्योंकि पीपल राइट कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो पीपल के द्वारा बनाए जाते हैं, आपने देखा चाइना वगैरह इनमें क्या किया इससे वायरसेस वैसे वायरस छोड़ दिया, इस टाइप की जो कुछ वायरसेस ऐसे बनाए जाते हैं जिससे नेट पर इंटरनेट पर उस पर भेज दिया और आप अपलोड करें अपलोड कर दिया तो वहाँ से जो भी फाइल करेगा
उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डैमेज होने लगेंगे, हमारा पूरा डाटा हुआ वो करप्ट हो जाएगा। तो इसके द्वारा ये उसको किया जाता है कि पर्सन हैज़ टू द राइट द कोड, कोडिंग के रूप में इनको दिया गया, कोडिंग को समझते नहीं पाता है ना, पता चलता है वो उसी कोडिंग में क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड कोडिंग होती है। तो स्पीड प्रॉपरली एंड देयर रिलीज, इसको हम स्पीड पूरा बैग चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि ये पर्सन ऑल्सो डिजाइन द वायरस अटैक, जो वायरस अटैक का फीस होता है उसको तैयार करता है, वेदर इट्स सिली मैसेसिस और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क। अब धीरे धीरे हमारी हार्ड डिस्क को, जब हार्ड डिस्क हमारा क्या है, उसका नाम ही हार्ड डिस्क है, जिससे हमारी बॉडी में हार्ट होता है उसी तरह से हार्ड डिस्क का वर्क होता है, जो हमारे पूरे उसको संचालित करती है। और इसको क्यों करते हैं भाई, क्योंकि ये फर्स्ट है मतलब जो साइकोलॉजी होती है दैट ड्राइव्स द जो वंडर्स होते हैं, वंडर्स एंड द एनोसिस्ट, जो आर्सोनिस्ट होते हैं, जैसे किसी भी को हमने कोई भी फाइल को उसको क्या किया और उस फाइल में कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्प्ले करते हैं, तो डिस्प्ले करने पर जब हम उसका उसको हमें हमारे लिए यूजेबल होती है, हम उसको अपलोड डाउनलोडिंग करते हैं, उसी पर पता नहीं चलता है कि वायरस इन्फेक्टेड है, लेकिन जब हमारे उसमें प्रवेश कर जाता है तो पता चलता है ये वायरस इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट इसी टाइप से आपका आता है वायरस हिस्ट्री। वायरस हिस्ट्री में क्या है, वायरस हिस्ट्री क्या है, आपका एक ट्रेडिशनल सी है, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर वायरसेस वर फर्स्ट वाइडली सीन इन द 1980s में इसको बनाया गया। इस वायरस नेम था मेलिशा, जो मेलिशा वायरस था वो मार्च 1990 में बाद एक स्पेक्टुलर इन इट्स अटैक उसने किया था, क्योंकि जो मेलिसिस मेलिशा जो था वो स्पीड किस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये हो गया था, क्योंकि ईमेल के द्वारा, ईमेल में कोई भी लेटर्स को किसी ने सेंड किया और वो ईमेल जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स हम लोग कहाँ क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट में करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहाँ होती है, एमएस वर्ड में होती है, तो इसलिए वो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन की उसमें वायरस इन्फेक्टेड हो गया। इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारे और भी इसके अलावा दिए रखे हैं जो एग्जाम्पल्स हैं, एक आई लव यू वायरस, डिफरेंट टाइप्स की वायरस आपको बताए थे, ये भी आपका एक इस नाम से रखा गया, क्योंकि अब ऐसा नाम उसको दे दिया समझ ही नहीं पाएगा ये वायरस है, उसके वायरस का नाम अभी आपने बहुत सारे ओमिक्रॉन ये सब क्या वायरसेस हैं, तो अलग अलग उनके नेम्स उनको, तो इसका मतलब क्या, ये नाम कहाँ से आई, जिसने इन वायरस को बनाया है उसी ने उनके नाम रखे हैं। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनको भी नाम देना पड़ता है, को हमारी मेडिसन्स होती है तो जो एंटीबायोटिक मेडिसन्स होती है उनके अलग अलग सब नेम होते हैं, तो सभी लोग तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये हमारी एंटीबायोटिक जो आपकी मेडिसन है ये एंटीबायोटिक है। इस टाइप से ये डिफरेंट टाइप के इनकी, इसी तरह वॉर्म्स है, वॉर्म्स में क्या, ये भी सिमिलर वायरस वाई डिजाइन द कंसिडर टू द सब क्लासेस, क्योंकि ये सब क्लासेस में भी इसको किया गया, और इनके भी अलग अलग ये क्या करते हैं, एडवांटेजेस इनके हैं कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं फीचर ऑन योर सिस्टम्स में। इसी टाइप सम एग्जांपल ऑफ वॉर्म्स, उनकी एग्जांपल्स हैं, वॉर्म्स की भी एग्जांपल हैं, ये जो ये वॉर्म कार्ड कोड है, रेड मेड हग हेडलाइंस इन 2001 में इसको हुआ, द स्लेमर वॉर्म जिसका नाम स्लेमर वॉर्म था विच कॉज्ड महेम इन लाइक जनवरी 2003 में, तो इस टाइप से और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये भी वायरस का ही नेम है, जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर उसको इसने एक्सप्लोइटेड कर दिया था इसके ओर को, और इस वॉर्म कॉल को स्टॉर्म विच इज सोल्ड अप द 2007 में, तो इस टाइप से धीरे नए नए वायरसेस चले। इसी टाइप से ट्रोजन हॉर्स है, ट्रोजन हॉर्स ये फुल एंड द मस्ट ट्रिक क्री इसको किया गया, जो माइथोलॉजिकल ट्रोजन हॉर्स हुआ, इट वाज द नेम्ड आफ्टर इसके, उसके नाम उसका नाम रखा गया। तो ये भी यूजफुल सॉफ्टवेयर जो हमारे उसको क्या करता है डैमेज करने के लिए, डेस्कटॉप पर ये जो हमारी इमेजेस होती हैं, बैकग्राउंड कलर जो हैं या बैकडोर सिस्टम से उनको वहाँ पर भी ये अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम। हम अब मेन बात आती है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप टू ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, सबसे पहला हमारा रीज़न आता है कि हम अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी जानते हैं कौन सा है, विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है, डॉस है, इनको हमें हमेशा अपडेट रखें। कैसे, जैसे इस तरह से आपकी मेडिसन्स होती है वो उसमें डेट लगा रहता है एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट करके तो डैम बेकार हो जाती है, उसी टाइप से इनकी भी सॉफ्टवेयर की एक डेट होती है, और डेट के बाद हमारे लिए हमें इंडिकेशन भी आता रहता है कि हम इसको अपडेट करें, तो हमें उनको अपडेट करना चाहिए।
क्योंकि अपडेट करने से हमारा जो उसकी शक्ति होती है, पावरफुल होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जब हमारे अंदर हम किसी को अगर हम खाना 8-10 दिन नहीं खाएं, हमारी जो हमारी इम्यूनिटी पावर वो भी कम हो जाएगी, उसके साथ हमारी स्ट्रॉन्ग हमारी कैपेसिटीज़ है वो भी लेस होने लगेगी। तो हम उसके लिए अब हम लोग भोजन क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ना। नेक्स्ट आपका यूज़ फायरवॉल, इसमें हमारा फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है कि दोनों जो हमारे अपलोडिंग क्यों उसमें बीच में एक दीवार के रूप में, इसीलिए इसको फायरवॉल मतलब जैसे आग की दीवार होती है, आग की दीवार खड़ी करते हैं तब उसको जंप करके उतर नहीं है क्योंकि उसमें हमें भय रहेगा जलने का। उसी टाइप से ये फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो आपका वायरस से इफेक्टेड होने से उसको बचाता है। क्योंकि जब हमारा कोई भी जैसे हमारी मेडिसन्स हैं, कोरोना अपना इतना बड़ा आपकी ये एक डिसीज़ पूरे आपके वर्ल्ड में फैली हुई थी, तो उसका कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक करके उसको तोड़ भी निकाला गया, जिससे कुछ को बचाया भी गया उसकी हेल्प से। तो ऐसे ही ये फायरवॉल को किया गया उसका एक गार्ड के रूप में, जो कि सिक्योर गार्ड के रूप में वर्क करेगा। उसके बाद एंटी सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, ये क्या करते हैं क्रिटिकल, ये प्रिवेंटिंग हमारे वायरस अटैक से प्रिवेंट करते हैं हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं अपने सिस्टम्स में ऑलरेडी पहले से उसको बूट सेक्टर से उसको अटैच कर देते हैं, जिससे कि हम अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड हम पेन ड्राइव या किसी फाइल को अपडेट करते हैं तो क्लियर वो इंडिकेट कर देता है कि वायरस इन्फेक्टेड है, तो हमें उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी आप करेंगे तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हमने कोई भी चीज़ हमको पता है ये चीज़ हमें डॉक्टर ने मना किया है और इसको हम उसको ले रहे हैं, तो ये हमारी मिस्टेक है ना कि हम उसको नहीं लेना चाहिए, हमें मना किया। यदि हमने उसको लिया तो उससे क्या इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इसी तरह से हमारा ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में होता है। नेक्स्ट होता है नो दैट द ओनली वे ये वायरस स्पीड्स, क्योंकि ये वायरस होती है वो स्पीड पर जानते हैं फैलता है, अदरवाइज द लॉन्चिंग एंड इन्फेक्टेड फाइल, ये कैसे किसी भी कोई इन्फेक्टेड फाइल को लॉन्च करें, ठीक है, या इन्फेक्टेड फाइल को हम बूटिंग में या बूटिंग फाइल होती है इन्फेक्टेड डिस्क को कर देती है। क्योंकि ये क्या होता है बूटिंग हमारा जो फाइल डिस्क, जैसे हार्ट हमारा जो ब्लड कैंसर होता है हार्ट को डैमेज करता है, उसी तरह से बूट सेक्टर होता है हमारा। अगर स्टार्ट बटन नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, मतलब आज हमने उसको चलाया और हमारा स्टार्ट बटन आ रहा था, नेक्स्ट डे का स्टार्ट बटन ही नहीं आ रहा, इट मीन्स क्या होगा कि कहीं से वायरस आकर के बूट सेक्टर में बैठ गया, इसलिए हमारी फाइल को डैमेज कर दिया जो फाइल हमारी सिस्टम को बूट करती थी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के इसमें डिफरेंट टाइप्स के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, अवास्ट है, एविरा है, माई MCFE है, नॉटर एंटीवायरस है, क्विक हील है, मैनी मोर, और भी बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, AVZ करके भी है। तो ये सब सॉफ्ट क्या डिफरेंट टाइप्स के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हमारी मेडिसिन होती सेम है उसी टाइप से। नाउ नेक्स्ट फायरवॉल, ये देखिए फायरवॉल ये फायरवॉल क्या है, ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा सिस्टम है, ये वायरफॉल सिस्टम्स है, ये डिजाइंड है प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड जो अनप्रिवेंट होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए टू और फ्रॉम द प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क जो हमारे मतलब होते हैं। तो फायरवॉल क्या कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बोथ, वो इम्प्लीमेंट भी कर सकता है किसको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एक साथ दोनों को भी कर सकता है। ऑल मैसेज जो ऑल मैसेज इसके होते हैं मैसेजेस होते हैं, वो मैसेजेस क्या करते हैं, वो मैसेजेस एंटरिंग और द लिविंग द इंटरनेट पासेस थ्रू द फायरवॉल, वो सारे पासे इंटरनेट के द्वारा पास होते हैं थ्रू द फायरवॉल के द्वारा। तो फायरवॉल क्या उसको चेक कर लेगा, इन्फेक्टेड होंगे तो उनको ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो फायरवॉल सिस्टम ये एग्जांपल, जैसे कोई भी मैसेज है या ब्लॉक्स है जिसको हम डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया में, जो उसको सिक्योरिटी एरिया में मिलने नहीं देगा, वहीं उसको रोक देगा। सिक्योरिटी एरिया होती नहीं होती, जैसे आपको गार्ड बिगाड़ वहीं रोक देता आपको, तो ये एज ए गार्ड के रूप में वर्क करता है। बाहर आपके गेट में अगर आप विदाउट यूनिफॉर्म है या कोई भी वो है तो आपको वहीं पर स्टॉप कर देंगे, उसके बाद परमिशन लेंगे अंदर से, ठीक है। तो उसी टाइप से वो मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स क्या है, जिसमें आइदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आइडियल फायरवॉल होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन विल कंसिस्ट ऑफ द बोथ हार्डवेयर फायरवॉल्स कैन बी द परचेज्ड एज स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स होते हैं बट और टाइपिकली फाउंड इन द ब्रॉडबैंड रूटर्स, ब्रॉडबैंड जो रूटर्स होते हैं, रूटर्स लगाए जाते हैं जो हमारी को बढ़ाने के लिए, तो उस टाइप से उनका यूज़ होता है। और उसमें नेटवर्क जो पोर्ट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे, अदर कंप्यूटर से, लार्जर नेटवर्क्स बिजनेस
नेटवर्किंग है, ये क्या कहता है, फायरवॉल सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। उसके लिए फायरवॉल जो होता है वो उसके लिए सॉल्यूशन करता है। कॉमन फायरवॉल टेक्निक्स, कुछ कॉमन फायरवॉल हमारी टेक्निक्स दे रखी है, जैसे आपका पैकेट फिल्टर होता है। तो पैकेट फिल्टर क्या है, ये लुक्स इज द पैकेट फिल्टर में एंटरिंग द लिविंग ऑफ द नेटवर्क एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट, मीन उसको लिविंग छोड़ देगा और नेटवर्क को क्या करेगा, एक्सेप्ट, अगर सही एक्सेप्ट करेगा अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देता है यूजर वाइज द डिफाइंड रूल, क्योंकि यूजर के द्वारा डिफाइंड किए रूल के आधार पर हम जो उसको देंगे। तो उसके लिए क्या होता है, आई जो आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है, वो स्पूफिंग सिस्टम से एक सब स्टीरिया को बनाता है। ऐसे ही आपका एप्लीकेशन गेटवे है, ये अप्लाई क्या करता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म को, जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन होते हैं उसकी मशीन को करता है, जैसे जैसे एफटीपी, उसके बाद कौन करता है, ये एफटीपी होता है। एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और टेलनेट ये सर्वर के रूप, टेलनेट सर्वर ये उसको वेरीफाई करता है, क्योंकि इफेक्टिव जो भी होता है और इनको परफॉर्मेंस एक डिग्रेडेशन के द्वारा उसको करता है। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका सर्किट लेवल गेटवे होता है, सर्किट बेस्ड जो आपका गेटवे होता है, ये अप्लाई क्या करता है, ये आपको अप्लाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म करता है। वैन कब करता है, जब टीसीपी और यूडीपी, टीसीपी से भी जानते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपका डेवलपमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, अनवांटेड जो डेवलपमेंट प्रोटोकॉल उसके लिए होता है बीडीआई। और ये कनेक्शंस जब इसको हम बनाते हैं, जो पैकेट्स एज कैन फ्लो बिटवीन द होस्ट विदाउट द फर्दर चेकिंग, मतलब ये फ्लो बिटवीन द होस्ट उसके बीच में करता है विदाउट फर्दर चेकिंग, बिना चेकिंग किए उसको। टीसीपी का होता एक आपका होता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या है, ये आपका इंटरसेप्ट ऑल मैसेज एंटरिंग एंड लिविंग द नेटवर्क, क्योंकि सर्वर जो होता है वो एफिशिएंटली भी हाइड्स द ट्रू नेटवर्क एड्रेसेस को, वो हाइड कर देता है जो आपका सही नेटवर्क होता है उसको, उसके लिए प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। कुछ में बहुत सारे में ये प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ किया जाता है। तो मैनी फायरवॉल यूज टू और मोर ऑफ दिस टेक्निक, ये दो या दो से अधिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। फायरवॉल जो कंसीडर क्या करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्टिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जो भी प्राइवेट उनको प्रोटेक्ट करती है और डिफेंस उसको के द्वारा करती है। नेक्स्ट आपका होता है क्राइम, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम रिप्रेजेंटेशन, जो साइबर क्राइम होता है ये आपका एक कहता है इकोम्पासिस होता है, एनी ऑफ द एक्ट जो डीलिंग द कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को, जो हैकिंग्स होते हैं जिसको हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को हैकिंग कहलाते हैं। ये एडिशनली साइबर क्राइम आल्सो इंक्लूड द ट्रेडिशनल क्राइम्स, एक ट्रेडिशनल क्राइम होता है जिसको हम कंप्यूटर क्राइम भी बोल सकते हैं, साइबर क्राइम कंप्यूटर क्राइम भी कहलाता है, ठीक है। तो ये कंडक्टेड करता है थ्रू द इंटरनेट के द्वारा, ये इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट है, जैसे कोई भी हेट क्राइम्स है, टेल मार्केटिंग है, या इंटरनेट फ्रॉड है, ये इंटरनेट फ्रॉड है, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना, क्रेडिट कार्ड अकाउंट को थेफ्ट कर लेना, कंसीट करना, या साइबर क्राइम जो जब हम इलीगल एक्टिविटीज़ को करते हैं कमिटेड थ्रू द यूज़, ये कंप्यूटर और इंटरनेट पर होते हैं, कंप्यूटर एज ए टारगेट, क्योंकि यहाँ पर साइबर क्राइम में जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एज ए टारगेट के रूप में वर्क कर रहा है, क्योंकि वो एज ए टारगेट उसका हो जाएगा, टारगेट सिस्टम्स के द्वारा होगा ये। तो टारगेट्स में दीज क्राइम, ये क्राइम जो कमिटेड करता है, इस सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स होते हैं उसकी तरह से काम करता है, और कंप्यूटर को के जो टूल्स होते हैं वो क्राइम रिक्वायर द टेक्निक नॉलेज प्रॉपर्टीज, देयर आर द न्यूमरस क्राइम्स ऑफ नेचर कमिटेड डेली ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे ये सारे डेली ये क्राइम्स होते हैं। तो इन क्राइम्स दैट द प्राइमरली जो टारगेट का होता है कंप्यूटर नेटवर्क का और डिवाइसेस का, वो इंक्लूड क्या होता है उसमें, एक तो क्राइम आपका होता है कंप्यूटर वायरस, जो कंप्यूटर वायरस उसको ये भी हमारा साइबर क्राइम के अंदर आएगा। दूसरा आपका क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक्स, जो हमारी डिनाइल सर्विसेज होती हैं उस पर अटैक करना, तो हमारा सारी प्रोसेस उठ जाएगी जो भी हमें पेश करते हैं। दूसरा होता है मालवेयर, यानी मैलिशियस कोड होते हैं, जैसे कोड के रूप में आ जाते हैं, वो कोड को हम जब ओपन करते हैं तो उन कोड के द्वारा उनको वो हैक कर लेते हैं। इस टाइप से ये हमारे कंप्यूटर्स टारगेट होते हैं जो साइबर क्राइम को रूट करते हैं। आज ये टॉपिक आपका यहीं पर क्लोज होता है, नेक्स्ट हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स, हैव ए गुड डे।